फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरीके से एक शानदार सा पोर्टेबल इमरजेंसी लाइट बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिसके साथ सोलर पैनल भी आएगा। दोस्तों, ये सोलर पैनल से चार्ज हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर चार्जिंग पिन भी दिया हुआ है, इसे आप चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर एक स्विच दिया गया, जिसे प्रेस करके आप इस एलईडी को ग्लो करा सकते हो इस तरीके से। और इसके साथ यहाँ पर एक इंडिकेटर भी दिया गया है, जिसे आप पता कर सकते हो बैटरी चार्ज हो रहा है। ये शानदार सा एक प्रोजेक्ट होने वाला है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, इसको बनाने के क्या क्या जरूरत पड़ेगा सारे मैंने वीडियो पे बता दिया है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक कर देना दोस्तों। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस तरीके का एक प्लास्टिक का डिब्बा मैं यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैंने तीन होल कर रखे हैं ऑलरेडी। इन तीनों होलर में एक स्विच लगेगा, एक इंडिकेटर लाइट और एक चार्जिंग सर्किट। और इसको मैं अंदर से खोल के दिखाता हूँ। अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है, अंदर मैंने कुछ होल नहीं किया। इस तरीके का एक राउंड शेप को मैं 6 वोल्ट का सोलर पैनल ले रहा हूँ। सोलर पैनल को इस ढक्कन के ऊपर लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक सोल्डिंग आयरन की मदद से एक होल कर लूँगा। इस ढक्कन के ऊपर अच्छे तरीके से हॉट ग्लू लगा देंगे, उसके बाद इस सोलर पैनल को इसके ऊपर अच्छे तरीके से टाइटली कर देंगे। इस तरीके का एक 5 वोल्ट LED प्लेट ले रहा हूँ। इस डिब्बे के पीछे के साइड में मैंने दो होल किए हैं। इन दोनों तारों को इस डिब्बे के दोनों होल में डाल के आगे के साइड में निकाल लेंगे। इस डिब्बे के ऊपर थोड़ा सा हॉट ग्लू लगा के इस लाइट को इसके ऊपर अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। ये दो वायर बैटरी के हैं और ये दो वायर चार्जिंग सर्किट के हैं। इंडिकेटर लाइट को इस डिब्बे के होल में अच्छे तरीके से लगा के फिक्स कर लें। इस तरीके का फीमेल चार्जिंग सर्किट को लेंगे। इस चार्जिंग सर्किट को इस डिब्बे के अंदर लगा करके अच्छे तरीके से हॉट ग्लू लगा देंगे। इंडिकेटर लाइट का जो पॉजिटिव वायर है, इसको हम जो चार्जिंग सर्किट का पॉजिटिव के साथ सोल्डरिंग कर देंगे, और नेगेटिव लाइट को जो चार्जिंग सर्किट का नेगेटिव है उसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे। यहाँ पर एक मेल चार्जिंग सर्किट को लेके इसके साथ कनेक्टर का आपको चेक करा रहा हूँ। ये अच्छे तरीके से पर ये LED ग्लो हो रहा है। यहाँ पर एक इस तरह का पुश ऑन ऑफ स्विच का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक 5 वोल्ट का इस तरीके का बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से सारे कनेक्शन कर लेता हूँ। कनेक्शन करने के बाद मैं आपको सारे कनेक्शन बता दूँगा कैसे क्या कनेक्शन करना है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना दोस्तों। आपको सारा कुछ कनेक्शन पता लगेगा, वरना आपको कनेक्शन पता नहीं लग पाएगा। समझा देता हूँ आपको क्या क्या कनेक्शन मैंने किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 60 लोगों का पॉजिटिव है, उसको मैंने एक जगह पे कर दिया है। यहाँ पर चार्जिंग का पॉजिटिव मैंने एक जगह पे किया, ये वाला वायर जो देख सकते हो वाइट वाला नेगेटिव है दोस्तों, और जो ग्रीन वाला वो पॉजिटिव है। सो सारे यहाँ पर सोलर का पॉजिटिव है और हमारा जो चार्जिंग सर्किट का पॉजिटिव है एक जगह पर कर दिया है, और नेगेटिव को एक जगह पे कर दिया है मैंने। और जो LED का नेगेटिव है उसको मैंने स्विच लगा के, यहाँ पर मैंने LED का जा रहा था, मैंने स्विच लगा दिया है। और नीचे की साइड हमारे LED, यहाँ पर ये LED को पावर जा रहा है, देख सकते हो। यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया सिर्फ, और LED जो लाने के लिए जो हमारा जलेगा मेन LED, उसके साथ मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पर सोलर का नेगेटिव जो है नेगेटिव में दे दिया, और सोलर का पॉजिटिव पॉजिटिव में दे दिया बैटरी के, और चार्जिंग का नेगेटिव चार्जिंग पे और बैटरी पे, और चार्जिंग का पॉजिटिव बैटरी पे मैंने दे दिया। सारा का कनेक्शन सिंपल सा है, मैं इसको फिटिंग कर देता हूँ। इसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से शरीर को चीज़ों को फिट कर दिया है, और ये निकलेगा नहीं वापस से। अगर इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो LED है वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर सोलर से डायरेक्ट ही चार्ज होता है सोलर पैनल, तो धूप में रख देंगे तो चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम मोबाइल चार्जर के थ्रू भी चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर नहीं जलेगा जब सोलर पे चार्ज करेंगे, जो हम पावर सप्लाई से चार्ज करेंगे मोबाइल चार्जर से, तभी ये इंडिकेटर को जो ग्लो करेगा, इसका नहीं करेगा ये। यहाँ पर देख सकते हो कितना तेज़ रोशनी के साथ ग्लो हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो इसको आप पढ़ने के लिए भी यूज कर सकते हो, इमरजेंसी के लिए भी यूज कर सकते हो। बहुत ही तेज़ इसका रोशनी है, और फिर से बैटरी मेरा डाउन है, तो इसलिए मैं चार्ज साइकिल साथ लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा दूर में रखा है, वो भी देख सकते हो मेरा हाथ कितना क्लियर दिख रहा है। इसी हिसाब से आप अंदाजा लग सकते हो कितना अच्छा तरीके से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में यहीं पर